विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो एयरपोर्ट आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहली बार खजुराहो आगमन हुआ। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री वन और पर्यावरण विभाग श्री दिलीप अहिरवार, राजनगर क्षेत्र के विधायक अरविंद पटेरिया, बिजावर विधायक राजेश शुक्ला, छतरपुर विधायक ललिता यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे, जिनके द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का खजुराहो एयरपोर्ट में स्वागत किया गया। इस दौरान वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने मुख्यमंत्री जी को शॉल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मौसम खराब होने के कारण वो खजुराहो एयरपोर्ट आए हैं और यहां से वो बाय कार रीवा संभागीय बैठक के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ ही आपने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, खजुराहो, रीवा या अन्य स्थलों के समुचित विकास के लिए हमारी सरकार कार्य करेगी। मौसम खराब है, इस कारण खजुराहो उतरा हूँ और यह विभाग के हमने अलग अलग प्रकार के सभी मंत्रालयों की संभागीय समीक्षा कर रहा हूँ। इस अवसर पर विकास के सभी कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन और भविष्य की संभावनाओं को लेकर के मैदान में जाकर के बात करने का अभियान चलाया हुआ है। काम का विकेंद्रीकरण करते हुए प्रदेश को विकास के पथ पर लगाना संकल्प है, खास करके खजुराहो, विंध्य, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये हमारे औद्योगिकरण से या कई सारे मामलों की बड़ी संभावना वाले क्षेत्र हैं। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत की सरकार बनी है, उस आधार पर विकास की दरकार भी और हम विकास को पूरा करेंगे। मंत्रियों को प्रभार कब तक दिया जाए?